नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2024 की न्यूज़। लखनऊ में ओपीएस बहाली के लिए रन फॉर ओपीएस। अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रन फॉर ओपीएस का आयोजन किया। बड़ी संख्या में मौजूद शिक्षकों व कर्मचारियों ने अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद की। गुलाबी टी शर्ट और सफ़ेद पैंट शर्ट में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली मांग कर रहे थे। महिलाएं भी गुलाबी रंग के परिधानों में अपने हक की आवाज़ उठा रही थी। पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण की समाप्ति के लिए नारे लगाते हुए कर्मचारी अंबेडकर स्थल से लोहिया पार्क होते हुए वहीं पहुंचे। कर्मचारी लगातार भारत माता की जय, वंदे मातरम, पेंशन हक है का लगातार नारा लगाते हुए दौड़ रहे थे। इस मौके पर नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने कहा कि अटेवा रचनात्मक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, चाहे मतदाता जागरूकता अभियान हो या फिर रन फॉर ओपीएस। शांतिपूर्ण व रचनात्मक ढंग से पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दौड़ने से जहां स्वास्थ्य सही होता है, वहीं ओपीएस से बुढ़ापा। लोकटा के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा न करे और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करे। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के प्रधान महासचिव एवं राजकीय नर्सें संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि कोरोना काल में ही कर्मचारियों ने अपनी जान देकर देशवासियों की रक्षा की, इसलिए सरकार कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता रामेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अटेवा शुरुआत से ही पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, एक दिन पेंशन निश्चित बहाल होगी। उत्तर प्रदेश राज की नर्सें संघ की प्रदेश अध्यक्ष सरती भंडारी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को अटेवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अटेवा ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आज का रन फॉर ओपीएस इस दिशा में एक अनूठा कार्यक्रम है। अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि रन फॉर ओपीएस के द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों ने एकता और अनुशासन की मिसाल कायम की है। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन और निजीकरण की लड़ाई बंधु जी के नेतृत्व में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। एक दिन सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण से आनंद मिश्रा ने कहा कि अटेवा का रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम अद्भुत रहा। शिक्षक कर्मचारियों का अनुशासित रहते हुए ऐसा सफल कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली में मील का पत्थर साबित होगा।